तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, उस मूवी में आपको सब कुछ मिल जाएगा, कॉमेडी, ड्रामा, रोमांस और एक अच्छी सी सीख भी। तो मूवी स्टार्ट होती है जहां पर एक कॉलेज में एक लड़का जो कि काफी अच्छी बास्केटबॉल खेलता है और इसका नाम होता है माइक। और माइक अपने आप को काफी कूल समझता है क्योंकि वो खेलने में काफी अच्छा है। और माइक का एक दोस्त भी है जो कि इतना कूल नहीं है और जिसका नाम है नेट, पर वो माइक का दोस्त है इसलिए माइक उसको हमेशा अपने साथ रखता है। दरअसल आज माइक का एक बास्केटबॉल मैच था जो कि माइक के करियर के लिए काफी इम्पोर्टेंट था क्योंकि उससे उसको स्कॉलरशिप मिल सकती थी और वो अपने करियर में काफी आगे बढ़ सकता था। और वो इस बात के लिए काफी खुश है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मैं तो बास्केटबॉल का राजा हूँ और दूसरों को हराना मेरे लिए हलवा है। पर इससे पहले मैच स्टार्ट हो वहाँ पर माइक की गर्लफ्रेंड आती है जिसका नाम होता है स्कारलेट, जिसको वो काफी प्यार करता है। स्कारलेट उससे कुछ कहना चाहती है पर वो कहती है कि मैं मैच खत्म होने के बाद कहूंगी, पर माइक उसको फोर्स करता है और स्कारलेट उससे कहती है कि तुम्हारे बूम बूम का नतीजा आ चुका है यानी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और माइक इस बात को सुनकर काफी शॉक्ड हो जाता है, इसलिए नहीं कि वो बाप बन गया बल्कि इसलिए कि अब वो क्या करेगा। और उसका मैच पे ध्यान नहीं जाता और वो बीच मैच में स्कारलेट के पास चला जाता है और उससे कहता है कि मैच गया तंदूर की भट्टी में, मैं अपनी लाइफ तुम्हारे साथ बिताऊंगा और मैं इस बच्चे को तुम्हारे साथ मिलकर अच्छी परवरिश दूंगा। और इसके बाद समय काफी बड़ा जंप लेता है और इसके बाद हमको स्टोरी दिखाई जाती है 20 साल बाद की, जहां पर वही माइक अब हो चुका है 37 साल का और अपने गोल को होल के लिए छोड़ने वाला अब बन चुका था नौकरी वाला। जी हां, अब वो 9 to 5 जॉब करता है और वो अपनी लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं है। और जिस स्कारलेट के लिए उसने अपना करियर छोड़ा था वो अब उसको छोड़ने वाली है। वो चाहती है माइक से डिवोर्स क्योंकि वो अपने करियर में इतना सक्सेसफुल नहीं बन पाया कि वो अपने बच्चों का अच्छे से ध्यान रख सके। और माइक नेट के साथ रहता है। नेट दरअसल वही है जो उसके बचपन का दोस्त था और अब नेट काफी अमीर हो चुका है और उसके पास काफी पैसा है। माइक नेट से कहता है कि आज ऑफिस में प्रमोशन होने वाला है और मुझको ऐसा लगता है कि वो प्रमोशन मुझको ही मिलेगा क्योंकि मैं इस कंपनी में 20 साल से हूं। पर माइक का बॉस प्रमोशन एक यंग लड़की को दे देता है और माइक उस पर भड़क जाता है कि तेरी ऐसी की तैसी, मैं इतने सालों से यहाँ पर झक मरा रहा और तूने प्रमोशन इस लड़की को दे दिया, अपनी नौकरी घुमाकर अपने नितंब में डाल ले। और ये कहकर वो जॉब को छोड़ देता है और अब माइक हो चुका है नल्ला बेरोजगार। और ये बेरोजगार बाप अपने बच्चों को पिक करने जाता है और माइक के बच्चे भी उसी कॉलेज में पढ़ते हैं जहां पर एक टाइम पे माइक हीरो हुआ करता था। और वो अपने बास्केटबॉल के दिनों को याद करता है कि काश उसने बास्केटबॉल खेला होता तो वो आज अपने करियर में कहां से कहां पहुंच चुका होता। और वो अपनी 20 साल पहले की फोटो देखता है, तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है जो कि जेनेटर होता है। वो कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम 17 साल में जा सकते हो। तब माइक को उसकी बात मजाक लगती है पर वो उससे कहता है कि अगर मुझे 17 साल में जाने का मौका फिर से मिला तो मैं जरूर से जाऊंगा। तभी माइक की बेटी आती है जिसका नाम होता है मैगी और माइक का एक और लड़का होता है जिसका नाम होता है एलेक्स। माइक चाहता है कि मैगी पढ़ लिख के आगे बढ़े और वो एलेक्स से चाहता है कि वो भी उसकी तरह बास्केटबॉल का प्लेयर बने, पर दोनों उसकी बात को ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे आप लोग सब्सक्राइब के बटन को। अब जब माइक घर पे जाता है तब स्कारलेट उससे कहती है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए जल्दी से जल्दी। तब माइक कहता है कि आखिर तुमको क्या हो गया, तुम्हारे चक्कर में मैंने अपने बास्केटबॉल फ्यूचर के एल लगवा लिए और तुम मुझसे डिवोर्स चाहती हो। तब स्कारलेट कहती है कि मैंने तुमको फोर्स नहीं किया था कि तुम सब कुछ छोड़कर मेरे पास चिपक जाओ। तभी स्कारलेट की वहाँ पर एक फ्रेंड आती है जो कि उसको माइक के खिलाफ खूब भड़काती है और माइक उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और अब माइक परेशान होकर ऐसे ही कहीं जा रहा होता है कि तभी वो देखता है कि एक पुल के किनारे वही जेनेटर जो उसको कॉलेज में मिला था वो जंप लगा रहा होता है। और जैसे ही माइक उस बुड्ढे को बचाने जाता है वो बुड्ढा एक बवंडर में गिर जाता है और उसको बचाने के चक्कर में माइक भी उस बवंडर में गिर जाता है। पर माइक बाद में उस बवंडर से बाहर निकल आता है और सीधा जाता है नेट के घर पे और अपने आप को साफ करता है कि तभी वो देखता है कि वो अब 17 साल का हो गया और वो ये बात नेट को बताना चाहता है। पर जैसे ही नेट उसको देखता है नेट को मानो मिर्गी आ जाती है, वो पागल कुत्ते की तरह उसके पीछे पड़ जाता है उसको मारने के लिए। और माइक उससे कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, पर नेट को यकीन नहीं होता कि तभी नेट के हाथ में उसकी बचपन की फोटो आती है और वो समझ जाता है कि हाँ यही माइक है। और वो उसे पूरी कहानी बताता है कि एक बुड्ढे की वजह से ये सब हुआ और वो कॉलेज में जाकर उस बुड्ढे को ढूंढता है पर वो बुड्ढा उसको नहीं मिलता। वहाँ पर एक दूसरी लेडी जेनेटर होती है, वो कहती है कि मेरे अलावा यहाँ पर कोई भी काम नहीं करता। और वो ढूंढते वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर बास्केटबॉल का सिलेक्शन हो रहा था और वो डिसाइड करता है कि अब उसके पास मौका है अपने करियर को फिर से बनाने का। और वो नेट से कहता है कि तुम मेरे पापा बन जाओ और तुम मेरा एडमिशन इसी कॉलेज में करवा दो। और माइक नेट के साथ एडमिशन कराने जाता है। अब माइक का फोकस होता है एडमिशन पर, जैसे ही नेट वहाँ के प्रिंसिपल को देखता है उसका चेंज हो जाता है मिशन
क्योंकि उसको पसंद आ जाती है वहाँ की प्रिंसिपल और वो बिताना चाहता है उसके साथ जिंदगी का हर एक पल। पर ये इतना आसान नहीं था। अब माइक इस कॉलेज में मार्क बन के एडमिशन लेता है, पर मार्क के कपड़े लुल्लू टाइप के होते हैं जो कि आज के समय के गे लोग पहनते हैं। और माइक डिसाइड करता है कि अब वो कॉलेज में आज के हिसाब के फैशन सेंस के साथ आएगा। अब नेट के पास तो अखंड पैसा था, मार्क उसी की प्रीमियम गाड़ी से कॉलेज में आता है और आते साथ बास्केटबॉल का ट्रायल देता है और कोच उसको सिलेक्ट कर लेता है। और ये वही कोच था जो 20 साल पहले था। कोच कहता है कि इस कॉलेज में ये मेरा आखिरी साल है। अब मार्क अपने कॉलेज का टॉयलेट इस्तेमाल करता है जहाँ पर उसको आवाज आती है एलेक्स की, जहाँ पर एलेक्स बताता है कि उसको स्टैन नाम के लड़के ने यहाँ पर बांध दिया और वो मुझको अपने घर में भी लॉक कर चुका है। तब मार्क कहता है कि स्टैन तुम्हारे घर में क्या कर रहा था। तब एलेक्स बताता है कि वो मेरी बहन मैगी का बॉयफ्रेंड है, यानी कि माइक की बेटी का बॉयफ्रेंड। और माइक को समझ में आता है कि उसका बेटा चोमू टाइप का है और वो उससे दोस्ती कर लेता है, जहाँ पर उसको मालूम चलता है कि उसका चोमू बेटा एक चमचमाती हुई लड़की को पसंद करता है पर बोलने से डरता है। तभी देखता है स्टैन को उसकी लड़की को सीपीआर देते हुए और वो आग बबूला हो जाता है और स्टैन की अखंड बेइज्जती कर देता है सबके सामने। और माइक का ये सीन ये कोई वीएफएक्स नहीं है, ये असली में शूट किया गया था। अब माइक अपने बेटे एलेक्स से उसके घर पे मिलने जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसका चोमू बेटा दरअसल चैंपियन है। वो अच्छी बास्केटबॉल खेलता है पर टीम में सिलेक्शन के लिए नाम देने से डरता है। और माइक कहता है कि तुमको कॉलेज की टीम में होना चाहिए कि तभी वहाँ पर माइक की वाइफ आती है अपनी भड़काऊ दोस्त के साथ और वो माइक को देख कर कहती है कि तुम तो मेरे हस्बैंड की तरह लगते हो, वो 20 साल पहले ऐसे ही लगता था। तब माइक कहता है कि नहीं, मैं नेट का लड़का हूँ, दरअसल मेरी मॉम का डिवोर्स हो गया था और मैं अपना बहुत ज्यादा टाइम अपनी माँ के साथ ही बिताता था और अब मैं अपने पापा के साथ रहने आया। पर स्कारलेट को उस पे काफी बड़ा शक होता है। उसकी दोस्त कहती है कि मालूम है तुम्हारी जवानी फूट रही है पर ये एक बच्चा है, वो भी 17 साल का, तुम्हें अगर बूम बूम करना है तो कोई और आदमी देखो अपनी एज का। और माइक को ये सुनकर काफी गुस्सा आती है। अब अगले दिन कॉलेज में माइक की हेल्थ क्लास होती है जहाँ पर मैगी भी होती है और स्टैन भी, जहाँ पर टीचर समझाती है कि आजकल की जनरेशन ऐसी है कि बूम बूम पहले होता है और बाद में पूछा जाता है हाल चाल, इसलिए ऐसे मौके पर अपने पेट का भटूरा होने से पहले इस्तेमाल करना चाहिए हमको ढाल। पर माइक चाहता है कि उसकी बेटी ऐसा कुछ भी नहीं करे और वो ज्ञान देता है कि हमें ये सब करना ही नहीं चाहिए और जब करो तब बिना ढाल के करो और उस बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ और आगे बढ़ाओ, ना कि नाली में बहाओ। और इस बात से मैगी काफी इम्प्रेस हो जाती है। अब रात में माइक एलेक्स के पास जाता है जहाँ पर वो देखता है कि उसकी बीबी स्कारलेट तैयार होकर डांस कर रही है। दरअसल आज स्कारलेट की एक डेट थी और वो वहीं जाने के लिए एक्साइटेड थी और माइक बीच बीच में उससे उसके पति की तरह बात करता है और स्कारलेट को ऐसा लगता है कि आजकल का बच्चा है और इसको मेरे में इंटरेस्ट है ना कि अपनी एज की लड़कियों में, पर वो उसको इग्नोर करती है। और जैसे उसका डेट का पार्टनर आता है माइक उसकी बेइज्जती करता है कि वो कितना बूढ़ा है, पर स्कारलेट उससे कहती है कि ये लो डिवोर्स के पेपर और नेट को दे देना ताकि वो ये पेपर मेरे पति माइक को दे सके क्योंकि मुझको उससे डिवोर्स चाहिए जल्द से जल्द। आयन के कॉलेज की लड़की की पार्टी होती है और एलेक्स और माइक भी वहाँ पर जाते हैं, जहाँ पर माइक कहता है कि आज तुम इस लड़की को अपने दिल की बात बता दो। और माइक देखने लगता है मैगी को क्योंकि उसको पूरे टाइम बस अपनी लड़की की चिंता है क्योंकि वो चाहता है कि वो इस एज में अपना भटूरा न फुलवा ले। और जब वो मैगी को ढूंढ लेता है तो वो उसको ज्ञान देता है कि स्टैन एक सिडी टाइप का इंसान है, तुमको वो कैसे पसंद आ गया। और मैगी वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अब अगले दिन के कॉलेज का एक काफी बड़ा मैच होता है जहाँ पर माइक काफी गुस्से में होता है क्योंकि मैगी स्टैन का पीछा ही नहीं छोड़ रही थी और वो अपना गुस्सा अपने गेम में निकालता है और वो उस मैच में काफी बास्केट करता है। और एक मूवमेंट पर जहाँ पर उसको मौका मिलता है स्टैन को बॉल देने का, वो अपने बेटे को बॉल देता है। और तभी माइक की चोमू लड़की की चमचमाती हुई लड़की उसके पास आती है और अब इन दोनों का भी टांका भिड़ जाता है और ये लोग वो मैच जीत जाते हैं। और यहाँ पर नेट इस स्कूल की प्रिंसिपल के हाथ धोकर पीछे पड़ जाता है। वो उसको काफी महंगे महंगे गिफ्ट देता है पर ये प्रिंसिपल गिफ्ट से मानने वाली नहीं थी। वो परेशान होकर उससे कहती है, ठीक है ये हमारी पहली और आखिरी डेट होगी और हम लोग नॉर्मल तरीके से जाएंगे मेरी कार में, ना कि उड़कर फ्लाइट में, ना कि एक महंगे लिमो में। तभी माइक देखता है कि उसका दोस्त नेट प्रिंसिपल के साथ डेट पर जा रहा और वो लोग ये मैच भी जीत चुके थे, तो वो सभी लोगों को अपने घर में पार्टी देता है कि तभी वो देखता है कि सुनसान जगह पर मैगी बैठकर रो रही होती है और वो मैगी के पास जाता है। तब मैगी कहती है कि स्टैन मेरे साथ बूम बूम करना चाहता था और मैंने उसको मना कर दिया, उसको लगता था कि मेरा नाम मैगी है तो मैं क्या बूम बूम के लिए 2 मिनट में मान जाऊंगी, मेरा सिर्फ नाम मैगी है। तब माइक कहता है कि तुमने सही किया, तुम एक बहुत अच्छा संस्कारी और सुशील लड़का डिजर्व करती हो। और मैगी को ऐसा लगता है कि माइक अपने हिंट दे रहा और माइक को यहाँ पर काफी अनकंफर्टेबल महसूस होता है क्योंकि मैगी उसकी बेटी थी।
और अपडेट में नेट प्रिंसिपल के सामने चटकों वाली हरकत करता है, पर वो आखिर में कह देता है कि मैं हमेशा लूजर था और मुझको लड़कियों से बात करना नहीं आता और मैं बस तुमको इम्प्रेस करना चाहता हूँ, इसलिए ये सब्सिडी पंथी वाली हरकतें कर रहा। और प्रिंसिपल को उसकी ऑनेस्टी पसंद आती है और वो भी उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाती है और कहती है कि तुम मुझको वही दिखाओ जो तुम हो असल में। तुम मुझको कहाँ ले जाओगे, मेरे या अपने घर में? और नेट कहता है अपने घर में। और यहाँ पर नेट के घर में काफी तगड़ी पार्टी चल रही होती है जहाँ पर उसका चोमू लड़का अपनी नई नवेली गर्लफ्रेंड के साथ बिजी हो जाता है और वो स्टैन को यहाँ से भगाने लगता है और तभी स्टैन उसके मुंह पे सुपरमैन पंच मारता है और माइक बेहोश हो जाता है। पर वो जैसे आंखें खोलता है वो मैगी के साथ एक रूम में होता है और मैगी यहाँ पर उसी पर डोरे डालती है और माइक को काफी अजीब लगता है कि मैं जो उसको सिखा रहा था वो मुझ पर ही उल्टा पड़ गया। मैगी कहती है कि तुम काफी अच्छे लड़के हो, पर माइक कहता है कि मैं किसी और को चाहता हूँ और मैगी इस बात को समझती है और वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर स्कारलेट आती है माइक को देखने के लिए क्योंकि वो माइक से डिवोर्स चाहती है कि वो जल्दी से पेपर पे साइन करे और माइक उसको एलिस को दिखाता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लगा होता है और ये सब देखकर माइक भी फॉर्म में आ जाता है और स्कारलेट को किस कर देता है, पर स्कारलेट उसका गाल लाल कर देती है। वो कहते है कि मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ। और जब मैगी को मालूम चलता है कि वो उसकी माँ को पसंद करता है तो वो भी उसका गाल लाल कर देती है। और जब नेट और प्रिंसिपल आते हैं तब प्रिंसिपल अपने सभी स्टूडेंट को वहाँ से भगा देती है और नेट से कहती है कि इसीलिए मैं स्टूडेंट के पेरेंट्स को डेट नहीं करती। अब स्कारलेट इस काम के लिए आई थी डिवोर्स पेपर में साइन लेने के लिए। उसकी हेयरिंग अगली सुबह थी और वहाँ पर 17 साल का माइक आता है और एक लेटर पढ़ता है। वो कहता है कि ये लेटर माइक ने भेजा। वो कहता है स्कारलेट से कि माइक तुमसे काफी प्यार करता है और वो चाहता है कि तुम उसकी लाइफ में फिर से वापस आ जाओ। पर जब वो पेपर स्कारलेट देखती है तो उसमें कुछ भी नहीं लिखा होता और उसको ऐसा लगता है कि ये 17 साल का मार्क ही उसका माइक है। और अब माइक फोकस करता है अपने बास्केटबॉल गेम में। उसको लगता है कि बीबी तो हाथ से गई पर अपना करियर तो बना ही लो। और जब उसका बास्केटबॉल मैच होता है तब वहाँ पर स्कारलेट भी आती है और वो स्कारलेट को वैसे ही किस देता है जैसे वो उसको पहले देता था। और अब स्कारलेट को पूरा यकीन हो जाता है कि यही वो माइक है और वो सोचती है कि अगर मैं यहाँ पर रुकूंगी तो माइक का गेम बेकार हो जाएगा और वो वहाँ से जाने लगती है। पर तभी माइक उसके पीछे आ जाता है और तभी वो जेनेटर उसको देखता है और फिर से वो 17 साल के माइक को 37 साल का माइक बना देता है। पर स्कारलेट ये सब देख लेती है और स्कारलेट कहती है कि तुमको मेरे लिए अपना गेम नहीं छोड़ना था। तब माइक कहता है कि आज मुझको रियलाइज हुआ कि मैंने जो भी किया था सही किया, मेरी लाइफ में तुम इम्पोर्टेंट हो ना कि ये गेम। और अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दोनों अलग नहीं होंगे और वो ये खुशखबरी नेट को देने जाता है। और वो क्या देखता है कि यहाँ पर नेट उस प्रिंसिपल को चरम सुख के पल दिखा रहा होता है, यानी कि नेट का भी मामला फिक्स हो चुका है। और कॉलेज के बास्केटबॉल कोच का यह आखिरी साल था तो कोच की जगह खाली थी और इसी का फायदा उठाते हुए माइक कोच की नौकरी ज्वाइन कर लेता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। तो इस मूवी से हमको यही सीखने को मिलता है कि फोकस होल की जगह गोल पर होना चाहिए और अपने पुराने दोस्तों को कभी नहीं भूलना चाहिए जो आपके साथ हमेशा से थे, क्योंकि कोई भी कभी भी अमीर बन सकता है और आप बाद में उनका फायदा उठा सकते हो। तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम, और अगर आपको ऐसी ही मूवी देखना पसंद है तो ये दोनों साइड वाली मूवी को भी देख सकते हो।